देखते आज की खास खबर। 13 रुपए किलो भाव मिलने से नाराज नासिक के किसानों ने सड़क पर फेंकी प्याज। उधर तहसील के 2 किसानों ने आत्महत्या कर ली। किसान दादाभाऊ खैरनार ने प्याज के गोदाम में ही फांसी लगा ली, जबकि कर्ज कैसे लौटाया जाए इस चिंता से किसान मनोज रामराव ढोंगटे ने भी आत्महत्या कर ली। केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात करने दिल्ली में दाखिल हुआ शिष्टमंडल। नासिक जिले में सूखा होने के साथ साथ जिले के किसान प्याज के दाम गिरने से भी परेशान हो गए हैं, इसलिए किसान रास्ते पर उतर रहे हैं। कई किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। किसानों की खस्ता हालत को बताने के लिए लासल गांव चांदवड़ सब्जी मंडी का शिष्टमंडल केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात करने दिल्ली में दाखिल हुआ। प्याज के गिरते दामों में बुधवार को सबसे न्यूनतम दाम लाल प्याज को 1 से 1.5 रुपया प्रति किलो मिला। इस पर गुस्साए किसानों ने प्याज सड़क पर फेंक कर सरकार का विरोध किया। प्याज उत्पादक किसान भाऊराव बिरारी ने मंडी में बेचने लाया प्याज सड़क पर फेंक दिया। किसानों की इस नाराजगी का सरकार तत्काल हल निकाले, यह मांग लेकर विधायक अनिल कदम, चांदवड़ के विधायक राहुल आहेर ने नेतृत्व में चांदवड़ बाजार समिति के सभापति डॉक्टर आत्माराम कुंभार्डे, इनके शिष्टमंडल पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार, संरक्षण राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष भामरे के साथ केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी व सुरेश प्रभु से मुलाकात करें। रिपोर्ट के अनुसार प्याज कम गुणवत्ता वाला और कालापन लिया था। मुंबई 750 किलो प्याज बेचकर मिले 1,064 रुपए को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजने वाले नासिक के किसान के प्याज को खराब बताया गया। जिला उपपंजीयक DDR की महाराष्ट्र सरकार को भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया कि शिकायतकर्ता किसान का प्याज मध्यम से लेकर निम्न गुणवत्ता वाला और कालापन लिया था। शिकायतकर्ता किसान ने अपनी प्याज से हुई कमाई को प्रधानमंत्री कार्यालय PMO को भेज दिया था, ताकि सरकार को प्याज उत्पादक किसानों की जमीनी स्थिति का पता चल सके। हालांकि लासलगांव कृषि उत्पाद बाजार समिति APMC के अधिकारियों ने रिपोर्ट को झूठा बताया है। समिति का कहना है कि उनसे जिला उपपंजीयक कार्यालय से प्याज बेचा था तो प्याज बहुत कम दाम में गया, और उससे मेरा उस दिन का खर्चा भी वसूल नहीं हुआ, ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं हुआ, वो जो मजदूरी लगी उसका भी खर्च वसूल नहीं हुआ। इसीलिए मैंने जो रकम मिली थी वो रकम सब PM मोदी साहब को मनी ऑर्डर करने का फैसला लिया और वैसा किया। और कल मेरे को जिलाधिकारी कार्यालय से उप जिलाधिकारी माननीय शशिकांत मंगरोले साहब का फोन आया रात 9 बजे, और उसने पूछा कि ये जो तुमने मनी ऑर्डर की इसका इंक्वायरी करने का हमको कुछ बोला है, तो ये क्या कैसा किया तुमने, क्यों किया ऐसा उसने बोला। तो मैंने बताया कि मेरी 2 एकड़ खेती है, 1 एकड़ में अंगूर का बगीचा है और 1 एकड़ में मेरा प्याज है। वो जो प्याज लगाया था मैंने पिछले साल, साधारणतः 1 एकड़ प्याज था, उसमें 50 क्विंटल प्याज निकला था, और वो 50 क्विंटल प्याज निकालने के लिए मेरे को साधारणतः 40 से 50 हज़ार रुपये खर्चा आया। वो खर्चा जब मैंने सब प्याज बेचा तो वो भी वो सुनने हुआ, आधा खर्चा नहीं, खाली 20 से 22 हज़ार रुपये निकला है। इसीलिए मैंने ये फैसला लिया तो वो सब रकम है वो PM मोदी को भेजी, और इसी तरह से एक इंक्वायरी शुरू हो गई। मेरे को अच्छा लगा कि किसानों के लिए कुछ PM मोदी साहब करेंगे, ऐसा मेरे को लगता है। कोई अधिकारी मिलने नहीं आया था। जिले की निफाड़ तहसील के एक किसान संजय साठे ने 29 नवंबर को विरोध स्वरूप थोक बाजार में प्याज की बिक्री से हुई अपनी 1,064 रुपए की कमाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दी थी। PMO की ओर से किसान को मनी ऑर्डर लौटा दिया गया। इस पर PMO ने इस मामले की रिपोर्ट मांगी है। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।